पैंडेमिक के बाद जैसे बॉलीवुड खत्म सा हो रहा था। हिंदी मूवीज को ऑडियंस थिएटर में देखने जा ही नहीं रही थी, चाहे वह कमर्शियल मूवी हो या एक्शन पैक मूवी। ऑडियंस राजी नहीं थी थिएटर में जाने के लिए। लेकिन 2023 में जैसे बॉलीवुड के भाग खुल गए। शाहरुख खान की पठान, जिसने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया, और बैक टू बैक जवान ने भी, जिसके बाद गदर 2, ओ माई गॉड 2, तू झूठी मैं मक्कार, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी मूवीज ने भी अच्छी खासी कमाई की। अभी रिसेंटली रिलीज हुई एनिमल क्रेजी ताबड़तोड़ कमाई के साथ आगे बढ़ रही है। इसके डायरेक्टर है संदीप रेड्डी मांगा, जिन्होंने 2018 में कबीर सिंह मूवी डायरेक्ट की थी। एनिमल ने अपने ओपनिंग डे में 63.8 करोड़ का कलेक्शन करके पठान को पीछे छोड़ दिया और ओपनिंग डे में कमाई करने वाली सेकंड हाईएस्ट मूवी बन चुकी है, और फोर्थ डे में सबसे ज्यादा कमाई करके 350 करोड़ कमाकर पहली मूवी बन चुकी है। लेकिन आज जो मूवीज अच्छी बन रही है उसमें कहीं ना कहीं साउथ के डायरेक्टर्स का हाथ है। जवान के डायरेक्टर एटली, जिन्होंने 2016 में मार्शल और 2017 में थेरी जैसी हिट मूवीज डायरेक्ट की थी। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी मांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी को हिंदी रिमेक करके कबीर सिंह डायरेक्ट की और इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज ऑडियंस साउथ मूवी के डायरेक्टर्स पर ज़्यादा भरोसा करती है। साउथ के डायरेक्टर जैसे बॉलीवुड पर रूल कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? कैसे ऑडियंस का पर्सपेक्टिव साउथ इंडस्ट्री के लिए चेंज हो गया? यही बात करेंगे आज इस वीडियो में। पिछले 3-4 साल पैंडेमिक के बाद वाले बॉलीवुड के लिए अच्छे नहीं थे, वहीं साउथ इंडस्ट्री की मूवीज धमाल कर रही थी। 2021 में रिलीज हुई बॉलीवुड की मूवीज जैसे 83 अंतिम, बेल बॉटम, चंडीगढ़ करे आशिकी, रूही, राधे, इन जैसी मूवीज में ना तो भाई की बॉडी कमाई ना आयुष्मान खुराना की एक्टिंग का जादू। ऐसा ही हाल 2022 में रहा। इस साल भी बॉलीवुड हिंदी मूवीज का गला घोटा, जैसे राधेश्याम, विक्रम वेदा, लाल सिंह चड्ढा, राम सेतु, बच्चन पांडे, इन जैसी मूवीज को ऑडियंस ने देखने से ही मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ मूवीज ने अच्छा काम भी किया, जैसे ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, दृश्यम 2, द कश्मीर फाइल्स जैसे मूवीज को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। लेकिन ये उतना कमाल नहीं कर पाई थी जितना क्रेज ऑडियंस में साउथ इंडस्ट्री को लेके था, जहाँ पर साउथ मूवीज की हिंदी डब वर्जन भी कमाल कर रहे थे। 2021 से 2022 में रिलीज हुई साउथ इंडियन मूवीज जैसे पुष्पा, KGF, RRR, रॉकेट, कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो साउथ इंडस्ट्री के लिए ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज होने का सिलसिला शुरू होता है 2015 में, जब SS राजामौली की फिल्म बाहुबली आती है, जिसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए और वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसने साउथ इंडस्ट्री की इमेज बदल डाली, जिसके बाद SS राजामौली ने RRR डायरेक्ट करके उसके एक सॉन्ग के लिए ऑस्कर भी जीता। फिर 2018 में आती है प्रशांत नील की फिल्म KGF, जिसने यूथ में तहलका मचा दिया। उसके हिंदी वर्जन ने 400 करोड़ की कमाई की थी। जिसके बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा धरा एक ब्लॉकबस्टर हुई, और 2023 में एक और नाम निकल के आया, एटली, जिसने SRK की फिल्म जवान को डायरेक्ट किया। और एक और डायरेक्टर की बात करूं, संदीप रेड्डी मांगा, जिन्होंने डायरेक्ट की थी कबीर सिंह, और अभी रिसेंटली मूवी उनकी रिलीज हुई एनिमल, जो भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। इसके अलावा ऐसे बहुत से साउथ डायरेक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड मूवीज को डायरेक्ट किया था, जैसे प्रियदर्शन, जिन्होंने 2008 से लेकर 2011 तक कॉमेडी मूवीज की भरमार कर दी थी, जैसे हेरा फेरी, भागम भाग, चुप चुप के, हंगामा, भोर, इन जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया था और ये हिट भी हुई थी। वहीं एक और डायरेक्टर S शंकर, जिन्होंने 2010 में आई रजनीकांत स्टेरिंग फिल्म रोबोट को डायरेक्ट किया, और वहीं रोबोट 2.0 को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि साउथ के डायरेक्टर्स अभी ही अच्छी मूवी बना रहे हैं और उनकी मूवीज चल रही हैं। साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर मोस्टली मूवीज हिट होती हैं। लेकिन फिर भी ऐसी क्या खास बात है साउथ के फिल्म मेकर्स में, आइए इसको जानते हैं। साउथ के फिल्म मेकर्स का सबसे बड़ा फैक्टर है उनका इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग। वो एक्सप्लोर करते हैं एक यूनिक नैरेटिव को और डाइवर्स स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को। दूसरा फैक्टर है कंटेंट पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, उनका फोकस होता है कंपेलिंग स्क्रिप्ट पर और करेक्टर के डेवलपमेंट पर, और जो भी उनकी फिल्म होती है वो सोशल इश्यूज,
कल्चर और ह्यूमन रिलेशनशिप पर होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कांतारा, जिसका बजट था 16 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ की कमाई की थी। बॉलीवुड के फेल होने के पीछे उसका सबसे बड़ा फेलियर फैक्टर है साउथ मूवीज का रीमेक। आज से 10 साल पहले इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी और मूवीज सिनेमा हॉल या फिर टीवी पर ही देखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट मार्केट में आया, बॉलीवुड की रीमेक करने की टेक्निक फेल होती गई। लेकिन इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि साउथ मूवीज़ को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं किया जाता था, इसलिए बॉलीवुड उन मूवीज़ को हिंदी रीमेक करके प्रॉफिट कमाया करती थी। हिस्ट्री ऑफ रीमेक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं। 70s और 80s में साउथ इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा का रीमेक करती थी। आप हैरान रह जाओगे ये जान के कि सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म्स भी अमिताभ बच्चन की कुछ मूवीज़ का रीमेक हुआ करती थी, जैसे दीवार, डॉन जैसी मूवीज़। खैर ये एरा था जब साउथ इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा का रीमेक करती थी, लेकिन टाइम के साथ ट्रेंड चेंज हुआ और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने साउथ इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ को रीमेक करना हिंदी में स्टार्ट किया। पहली फिल्म जो साउथ इंडस्ट्री से रीमेक हुई उसका नाम था राम और श्याम, जो तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी रेमेडु भीमेडु का रीमेक थी। जिसके बाद कमल हसन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें अपनी ही आइकनिक फिल्म्स को हिंदी में रीमेक करके प्रोड्यूस किया, जैसे कि एक दूजे के लिए और सदमा। फिर 90s और 2000 के दशक में कॉमेडी मूवीज़ को रीमेक किया गया, जिसमें सलमान खान की जुड़मा मूवी थी जो रीमेक थी तेलुगु फिल्म हेलो ब्रदर की, जिसमें नागार्जुन लीड रोल में थे। फिर 2000 में हेरा फेरी रीमेक के कॉन्सेप्ट को फिर से लेकर आई, जिसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन, जो कि रीमेक थी 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की। हेरा फेरी की बड़ी सक्सेस के बाद प्रियदर्शन ने कॉमेडी मूवीज की सीरीज लगा दी, जहां पर हलचल से लेकर दे दनादन तक मूवीज आती रही। साउथ रीमेक की सक्सेस के बाद बॉलीवुड में रीमेक का ट्रेंड सेट हो गया। रीमेक ट्रेंड एक्टिव फॉर्म में तब था जब टू बैक एक्शन मूवीज की सक्सेस हुई, गजनी एंड वांटेड, जो रीमेक थी तमिल फिल्म गजनी और तेलुगु फिल्म पोकिरी की, जिसके बाद ऐसे मानो रीमेक का सैलाब आ गया। बॉलीवुड में जैसे संगम, राउडी राठौर, बॉडीगार्ड, हॉलीडे जैसी मूवीज सब रीमेक थी साउथ फिल्म का, जिसमें भूल भुलैया, रेडी, हाउसफुल 2, सन ऑफ सरदार जैसी कॉमेडी मूवीज शामिल थी। आज तक भी बॉलीवुड में साउथ रीमेक का ट्रेंड हटा नहीं है। इसी वजह से आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जो रीमेक थी फॉरेस्ट गम्स की। आज ऑडियंस ओरिजिनल कंटेंट को देखना ज़्यादा पसंद करती है, इसी वजह से साउथ की मूवीज पर लोगों का विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जिस तरह बॉलीवुड में VFX के नाम पर आदिपुर जैसी घटिया मूवी बनाई जाती है, उसी तरफ कन्नड़ में कांतारा जैसी मूवी बनाई जाती है, वो भी 16 करोड़ में। अब बात करते हैं पहले के मुकाबले साउथ इंडस्ट्री का रिवेन्यू के बारे में। इंडियन इंडस्ट्री के कॉन्फेडरेशन के अकॉर्डिंग 2021 में साउथ इंडस्ट्री फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन 62% था, जिसका सबसे बड़ा फैक्टर था KGF चैप्टर 2, जिसने 425 करोड़ का कलेक्शन किया, और साथ ही RRR एंड पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज, जिसमें पुष्पा ने 106 करोड़ और RRR ने 225 करोड़ का कलेक्शन किया था साउथ लैंग्वेज में। EIFICCI का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में साउथ इंडस्ट्री का डोमेस्टिक रिवेन्यू 4000 करोड़ था, वहीं हिंदी फिल्म्स का रिवेन्यू स्टैंड आउट कर रहा था 5200 करोड़ पर। 2021 के बाद साउथ इंडस्ट्री लास्ट रिवेन्यू होता है 2400 करोड़ का, वहीं हिंदी फिल्म्स का रिवेन्यू रह जाता है ओनली 800 करोड़। ज्याला कहती हैं कि यहाँ पहले साउथ फिल्म 20% कंट्रीब्यूशन हो रहा था इनबॉक्स में, वहीं 2022 में बढ़कर 35% हुआ KGF और RRR के कलेक्शन की वजह से। वहीं कन्नड़ मूवी का कंट्रीब्यूशन 3-4% होता था, वहीं इस साल बढ़कर 15-16% हो गया है, जिसका श्रेय जाता है कांतारा जैसी मूवीज, जिसने 400 करोड़ का बिजनेस किया था। और मैक्स मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 और 2021 में हिंदी फिल्म्स का शेयर 28% था, जो कि प्री पेंडेमिक से बहुत कम था। जहां 2018 में 43% और 2019 में 39% था, वहीं 2022 में हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 42% KGF और RRR के हिंदी डब वर्जन का था। ये प्रूफ करता है कि कंटेंट ही किंग होता है। आज की ऑडियंस
स्टोरी से कनेक्ट रहना चाहती है। अगर कंटेंट एक्साइटेड नहीं है तो स्टोरी से कनेक्ट नहीं रह पाएगी ऑडियंस। और आजकल तो रीमेक का टैग लगते ही 50% ऑडियंस खत्म हो जाती है।